हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं बहुत ही प्यारा सा तोरण की डिजाइन बताऊंगी। अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा ऊन बचा हुआ है तो उसका इस दिवाली पर बहुत प्यारा सा एक तोरण बनाइए और वो भी घंटों में बन जाता है बहुत जल्दी तो आइए शुरू करती हूँ फिर देखिए इसको कैसे बनाएंगे और अपने दरवाजे को दीवार को सजाइए उससे बहुत ही सुंदर है ये देखिए पहले हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह के ये देखिए एक दो ये दो चेन ले लिए उसके बाद ये थोड़ा सा हम लंबा खींचेंगे और इसमें से देखिए एक दो तीन चार ये चार निकाल लिए अब इसको हम इस तरह बनाएंगे देखिए फिर ये एक और चेन लेंगे इसमें और फिर देखिए इस तरह थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर इसी में ये देखिए एक दो तीन चार ये देखिए इस तरह बनाएंगे हम ये देखिए फिर एक चेन ले लेंगे यहाँ पर और फिर इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे ऐसे और देखिए एक दो ये दो हो गया ये देखिए तीन चार ये चार हो गया ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दीवार पे भी या दरवाजे पे दिवाली में सजाइए इससे घर अपना बहुत प्यारा लगता है तो इस तरह हम ये जो है ये फोर्टी नाइन ऐसे करके फोर्टी नाइन बनाएंगे ये देखिए ये सारा 49 नाइन हो गया ये ऐसे तो अब हम इसको इसमें देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये दस छोड़ देंगे और उसके बाद हम ग्रीन लगाएंगे यहाँ से इस तरह देखे। ये देखिए ये देखिए एक दो तीन चार पाँच ये पाँच हो गया अब हम इसको इसमें इस तरह लेंगे ऐसे देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गया फिर हम इसको इस तरह इसमें फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गया फिर हम इसको इस तरह बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच ये पाँच हो गया फिर देखिए तो इसी तरह हम उनचास बनाएंगे उनचालीस बनाएंगे यानी थर्टी नाइन बनाएंगे ऐसे करके और फिर इधर से भी हम ये दस छोड़ देंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस छोड़ देंगे हम यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ तक ऐसे ही बनाएंगे इसी तरह ये देखिए ये कंप्लीट हो गया ये अब हम इसको यहाँ से इस तरह बनाएंगे ये देखिए एक दो ये दो चेन ले लिए अब हम इसमें इसको इस तरह ले लेंगे और फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात ये सात चेन हो गया अब देखिए एक दो तीन तीन छोड़ के चौथे में हम इसको इस तरह निकालेंगे फिर यहाँ से एक दो तीन ये तीन चेन ले लिए अब इसको हम इसमें इस तरह बनाएंगे ऐसे करके और फिर देखिए इसको एक ये देखिए ये जो है इसको हम यहाँ पर इस तरह बनाएंगे ऐसे इस तरह अब देखिए एक दो ये दो चेन हो गया अब देखिए एक ये डबल क्रोशिया निकालेंगे इसमें से ये देखिए ये डबल क्रोशिया हो गया फिर एक चेन लेंगे फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे इसी में फिर एक चेन लेंगे फिर डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे इस तरह तो ये जो है अब देखिए फिर एक चेन लेंगे और फिर ये डबल क्रोशिया निकालेंगे तो ये चार हो गया डबल क्रोशिया। ये देखिए ये डबल क्रोशिया चार हो गया उसके बाद हम दो चेन ले लिए और दो चैन लेकर फिर इसी में इसी तरह एक बार में हम इसको इसको ऐसे निकालेंगे ये देखिए और फिर इसमें जो है हम इस तरह निकालेंगे अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात ये सात हो गया अब देखिए एक दो तीन ये तीन छोड़ के चौथे चेन में हम इसको इस तरह निकालेंगे और फिर एक दो तीन ये तीन चेन हो गया और फिर हम इसमें इसको इस तरह लेंगे फिर इसको एक बार में निकालेंगे ऐसे और यहाँ पर एक दो दो चेन लेकर फिर हम इसमें डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे करके और फिर एक चेन लेंगे फिर इसमें डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे फिर एक चेन लेंगे फिर देखिए ये डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे फिर एक चेन लेंगे फिर ये देखिए डबल क्रोशिया निकालेंगे फिर एक यहाँ पर ये यह देखिए ये चार डबल क्रोशिया हो गया और फिर यहाँ पर हम दो चेन लेंगे ऐसे करके और इसी में हम फंदा लेते हुए इसको एक बार में ही निकालेंगे ऐसे करके और इसमें बिना फंदे के एक बार में ऐसे निकालेंगे तो सारे में हम इसी तरह बनाते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे इसको इसी तरह बनाएंगे देखिए ये कंप्लीट हो गया ऐसे देखिए अब इसमें हम इसको इस तरह बनाएंगे जैसे ये है इसके बीच बीच में बनाएंगे ऐसे एक यहाँ 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 और यहाँ यहाँ तो ये यह देखिए पहले हम इसमें इस तरह दो चेन ले लेंगे उसके बाद देखिए इसको ऐसे करके वन टू ये देखिए थ्री फोर ये फोर हो गया इसके बाद हम इसमें से इस तरह निकालेंगे ये देखिए फिर देखिए इसमें वन टू थ्री फोर ये हो गया फिर इस तरह निकालेंगे ऐसे करके ये देखिए फिर वन टू थ्री फोर ये हो गया फिर देखिए इस तरह निकालेंगे इसमें से ये देखिए वन टू थ्री फोर ये हो गया ये देखिए फिर इसमें निकालेंगे वन ये देखिए वन टू थ्री फोर ये हो गया फिर देखिए इसको ये देखिए ये ये जो है इस तरह बनाएंगे हम इसमें पांच बनाएंगे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच ये हो गया पांच हो गया अब इसमें भी हम इसी तरह बनाएंगे ये यहाँ यहाँ बनाएंगे यहाँ बनाएंगे और यहाँ इसमें इसमें ऐसे करके बनाएंगे इसके बाद तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे और यहाँ पर देखिए एक दो, दो चेन ले लिए चेन लेने के बाद हम इसी में अब देखिए इसको डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे करके और एक दो तीन तीन चेन ले लिए तीन चेन लेने के बाद इसको हम ऐसे करके निकालेंगे और फिर इसी में हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे देखिए इसी में डबल क्रोशिया एक और बनाएंगे ऐसे करके फिर एक दो तीन ये तीन हो गया चैन फिर इसके ऊपर से ऐसे बनाएंगे ये देखिए इस तरह बनेगा ये फिर अब हम दूसरे में इस वाले में बनाएंगे दूसरे में देखिए ये हो गया डबल क्रोशिया फिर एक दो तीन ये तीन चैन ले लिए फिर हम इसमें इसको इस तरह निकालेंगे फिर देखिए इसी में हम डबल क्रोशिया एक और एक बार और निकालेंगे ऐसे करके फिर देखिए एक दो तीन ये हो गया फिर देखिए इसको ऐसे करके निकाल दिए और फिर अब हम इसमें बनाएंगे ये देखिए ये डबल क्रोशिया हो गया फिर एक दो तीन ये ऐसे करके फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे एक दो तीन ये हो गया अब देखिए फिर निकाल दिए ऐसे और फिर हम इसमें ये डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो एक दो तीन ये तीन बार चेन ले लिए और फिर इसी में इसको इस तरह बनाएंगे हम अब देखिए फिर ये डबल क्रोशिया हो गया फिर एक दो तीन ये तीन हो गया अब फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया निकाल लिए अब देखिए ये जो है ये देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ बना हुआ है अब हम इसमें बनाएंगे तो डबल क्रोशिया एक दो तीन ये हो गया इस तरह तो ये जाके टोटल दस बनेगा ये देखिए दस बन गया ये एक दो तीन ये तीन चेन ले लिए और हम इसको अब यहाँ पर बंद कर देंगे ये जो है ये दस कंप्लीट हो गया देखिए ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये दस कंप्लीट हो गया अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से बंद कर देंगे ऐसे करके ये बंद कर दिए अब देखिए ऐसे कट कर लेंगे और सुई से इसको गांठ लगा देंगे ऐसे कि खुलेगा नहीं ये देखिए इस तरह से ऐसे करके ऐसे इसको हम गांठ लगा देंगे इस तरह अब देखिए ये जो हम नीचे बनाए थे इसको ये ऊपर का है पार्ट अब ये देखिए नीचे का जो है ये थोड़ा खुला दिखेगा अभी तो हम इसको भी सुई से क्या करेंगे कि इसको भी ऐसे बांध देंगे इस तरह से गांठ लगा देंगे तो इन दोनों को पकड़ के हम एक साथ ये देखिए इन दोनों को पकड़ के एक साथ पहले तो हम ऐसे सिलाई डाल देंगे इसमें फिर एक बार और इसमें सिलाई डालेंगे ऐसे करके ये देखिए ये हो गया गाँठ अब इसको अंदर से हम इसको इसी में निकाल देंगे ऐसे और निकाल के ये कट कर दिए तो इसी तरह बनेगा सारे में ऐसे करके देखिए ऐसे इस तरह बनेगा ये यहाँ 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 और यहाँ ये देखिए मैं पहले से बना रखी थी एक तो ये बन के इसका लुक इस तरह आएगा ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और एकदम जल्दी बनता है ये तो आप भी कोशिश कीजिए ऐसा बनाने के लिए इस दिवाली पे और फिर मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फिर मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ